जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे बिग बॉस का माहौल काफी बदलता जा रहा है। पिछले दिनों बिग बॉस ने मेघा धाड़े को खुद नॉमिनेट किया, तो वहीं आगे नॉमिनेशन टास्क की जिम्मेदारी कैप्टन सुरभि राणा को सौंप दी। इसके बाद सुरभि ने घर में मौजूद ऐसे 4 लोगों को नॉमिनेट कर दिया, जिसके बाद वो घर की नई मास्टरमाइंड के तौर पर उभरे हैं। जी हां, सुरभि ने कैप्टन के पावर का इस्तेमाल करते हुए घर में मौजूद 4 कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट किया। सुरभि ने दीपक ठाकुर, दीपिका कक्कड़, जसलीन मथारू के अलावा रोमिल चौधरी को भी नॉमिनेट कर दिया। अब इसके साथ ही घर के सदस्यों को नॉमिनेशन टास्क के बाद 2 टीमों में बांटा गया। पहली टीम में रोमिल, दीपक, दीपिका और जसलीन, तो वहीं दूसरी टीम में करणवीर, श्रीसंत, रोहित और सोमी थे। और तो और सुरभि से घर के सभी सदस्यों ने उन्हें नॉमिनेशन से बचाने के लिए उनसे बात की। इसी बीच सुरभि और रोमिल के बीच तीतू मैमे भी हो गई। आपको बता दें कि सोमवार के इस एपिसोड में न सिर्फ सुरभि बल्कि सोमी खान भी रोमिल से लड़ाई करते हुए नजर आई। सोमी और रोमिल के बीच तब लड़ाई हुई थी जब रोमिल ने सोमी को कमजोर सदस्य बताते हुए सुरभि से बात की। इसके बाद रोमिल ने अपनी कही बातों के लिए सोमी से माफी भी मांगी, लेकिन सोमी ने रोमिल की एक न सुनी। वैसे अगर बात करें इस बार के नॉमिनेशन टास्क की, तो सुरभि राणा ने अपनी चाल से शो में एक बड़ा ट्विस्ट ला दिया है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से हैप्पी क्लब के सदस्यों के बीच लड़ाई चल रही है, खासतौर पर सुरभि और रोमिल के बीच। गेम को लेकर दोनों का ईगो क्लैश हो रहा है, जिसकी वजह से हैप्पी क्लब में तनाव का माहौल है। और अब सुरभि ने जिस तरह से अपनी कैप्टनसी को हथियार बनाया है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि रोमिल नहीं बल्कि वो शो की नई मास्टरमाइंड बनकर उभरी हैं।